सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो पहले तो हम गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने फिशिंग विलेज टोटली कम्प्लीटली खाली कर दिया है। उसके अंदर कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, सारा का सारा माल वहाँ से लूट लिया था। वैसे हमको ना असल में चाहिए था गन का एमओ वगैरह, जो शॉर्ट गन वगैरह में मिलने वाली है अगले वाले विलेज के अंदर जाके। उसके लिए मैंने सारा का सारा सामान इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट जहाँ पर मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम, वहीं से गेम अपना स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, मैंने बिल्कुल भी ऑफलाइन इसको प्ले नहीं किया। तो अभी तो पहले तो जाके सो जाता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। सुबह को उठ के देखते हैं क्या करना है। 12 घंटे के लिए सो जाते हैं। गाइस नहीं यार, काफ़ी अंधेरा है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, पहले टाइम चेक कर लेता हूँ। 5:51 हो रहे हैं। तो काम करता हूँ, 6:30 उठ जाता हूँ तो दोबारा सोना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, 2 घंटे के लिए दोबारा से सो जाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6:30 के करीब टाइम देखेंगे तो, नहीं भाई भाई 8 हो गए हैं। मतलब कि मैं 2 घंटे सोया था, लेकिन ये अचानक से पता नहीं कैसे टाइम अपने आप बढ़ गया है। और गैस ये वाला पूरा का मेरा मैंने छान लिया, कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर। टोटली मैंने खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब ये चीज़ें हैं ना मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैंने उठाई नहीं है। तो एमओ वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 और 13। और अगर आप चेक कराऊँ तो अपने को आपको यहाँ पर चेक करोगे तो मेरे पास बहुत सारा एमओ यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो 477, और उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो 550, और ये भी बहुत सारा एमओ मेरे पास पड़ा हुआ है इसका, शॉटगन का, और ये राइफ़ल का है, ये है हमारा पिस्टल का एमओ। और पिस्टल मेरे पास है, लेकिन मैंने एमओ वगैरह नहीं रखा था, तो रख लेता हूँ अभी। और इसके बाद इसके अंदर जेरिकैन भी है क्या? हाँ, भरा हुआ जेरिकैन है ना। तो अभी मेरे पास कितने जेरिकैन हो गए हैं? टोटल 3 जारी कहने। तो मैं काम करता हूँ, इनको ना फिल कर देता हूँ अपनी ट्रेड के अंदर। मस्त प्लान है। टॉर्च को अंदर रख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी फ़िलहाल के टाइम पे। चलो भाई, अभी 3 दबा के अपनी इसको ना टैंक फुल कर देते हैं इसका। किधर है भाई? हेलो, अंदर। हाँ ये रहा ना। तो एक पेट्रोल मतलब कि जारी कैन से ना करीबन 10 लीटर पेट्रोल भरता है। और अपनी टोटल जो ट्रेन के अंदर कैपेसिटी है वो है मेरे ख्याल से 3200 लीटर ऐसा ही कुछ है। आकर दिखा दूँ आपको, तो ये देखें यहाँ पर है ना, तो देखो 3200, यानी कि 3200। तो अभी अपने पास जो है ना वो 250 लीटर ही है, और 2 जेरिकैन और पड़े हुए थे वो भी ला के फिल कर देता हूँ, क्योंकि टोटली काम कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना। ये खाली है, ये भरे हुए हैं। चलो भाई, इसको भी फिल कर देता हूँ ले जाके मैं। तो अभी मुझे ना जेरिकैन और अगर मिलेंगे तो मैं ला के वो भी फिल करता रहूँगा इसके अंदर। चलो ये हो गया अपना काम कंप्लीट, और अभी हम निकलते हैं नेक्स्ट विलेज के लिए, क्योंकि ये वाला विलेज मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, पूरा का पूरा मैंने जो है ना कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया था, और इसके अंदर मुझे गन मिली थी पिस्टल, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसके अलावा मुझे काफ़ी सारा एमओ मिला था, और बैंडेज वगैरह और फर्स्ट एड वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे चाहिए कुछ भी नहीं यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान पहले ही पला हुआ है। यहाँ देखो, आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक वगैरह और पेन किलर और फर्स्ट एड बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और ज़ोंबी इतना हिट कर भी नहीं पा रहे मुझे, मैं पहले उनको मार दे रहा हूँ। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेड को और निकलते हैं नेक्स्ट विलेज के लिए। और पहले क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ओके है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। इस वैन के अंदर क्या है? ये पार्ट है, पता नहीं किस किस्म के हैं। एक मिनट उठा लेता हूँ, शायद से आगे जाके कोई ज़रूरत पड़ जाए इनकी। स्क्रैप मेटल है तो उठा लेता हूँ यार, वैसे स्क्रैप मेटल की ज़रूरत है नहीं, भर भर के मिलता है इसके अंदर। चलो भाई, अब जाके ना मैं इसको रख लेता हूँ पहले तो, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर मेरे को वजनी सा लगता है, अजीब सा महसूस होता है। ये लो भाई, तुम इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ। टॉर्च को अगेन रख लेता हूँ जेरी कैन वाली जगह पे, क्योंकि अभी टॉर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये खाली डब्बे हैं, इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ भाई, स्पेस खाते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फुल हुआ है हल्का सा, अभी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो भैया, अपनी ट्रेन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विलेज के लिए। किधर से घुस रहा हूँ, इधर से जगह ही नहीं है। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी भाई इधर आ भाई, कितनी स्पीड है तेरी, हट भाई, ज़्यादा चलाक बन रहा है।
ये भी ज़ॉम्बी है क्या? हाँ भाई ज़ॉम्बी है। एकदम छोटा सा लग रहा था मुझे। और कोई है क्या? कोई भी नहीं है। होगा भी तो हमें क्या करना है। चलो अभी ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। और लीटर पेट्रोल का देखेंगे तो 2 मैंने कैन हैं भाई, 250 ही है अभी तक। पता नहीं गाइस, मैंने तो 2 फिल करे हैं, 2 जेरिकैन इसके अंदर डाले हैं, फिर भी इतना ही शो कर रहा है। चलो भाड़ में जाए, ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ब्रेक को हटा देता हूँ मैं। अच्छा ये वाला मैंने, चलो भाई ओके। अभी गाइस हम इस तरफ से आए थे, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी हम जा रहे हैं टोटली आगे, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। पीछे वाला हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया है, अभी जा रहे हैं हम नेक्स्ट विलेज। और भाई ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है भाई, मार दिया मैंने यार। वो क्या ही एम है, वैसे इतना भी खास नहीं है। ज़ॉम्बी वैसे जगह जगह पर खड़े हुए हैं, काफ़ी प्यारा सा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। अच्छा ये देखो, मैं जब चलता हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक जगह पर रुक गया, मतलब कि ट्रेन जा रही है, मैं एक जगह पर रुका हूँ। अब देखना ये देखो, ऐसे लग रहा है ना, मतलब कि इसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। हाँ वो तो है ही, थोड़ा बहुत तो ग्रेविटी की वजह से या फिर गेम की फिजिक्स ही ऐसी हैं कुछ। इंजन के अंदर साउंड बहुत ज़्यादा होता है, लाजमी सी बात है। ये चल रहा है ना, ये देखो यहाँ से चल रहा है तो लाजमी सी बात है आवाज़ तो आएगी। मैं नहीं जा रहा इंजन के अंदर, बत्ती फोड़ दूंगा मैं, फालतू का मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। गन को रीलोड कर लेते हैं भाई, पता चले ज़ॉम्बी आ गए हमको कूट के चले जाएं। हो गया फिर तो अपना भाई, कहाँ तक जाएंगे? वैसे ना गाइस, मुझे ना एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार हम इस ट्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ना हम चीज़ें बना सकते हैं, हम इसके अंदर घर वगैरह बना सकते हैं, मतलब इसको बिल्ड कर सकते हैं ट्रेन को, इसका बेस बनाएंगे और हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? ओके तो गाइज लोडिंग हो चुकी है, इसका मतलब हम नेक्स्ट विलेज के अंदर इंटर कर चुके हैं। ओके तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट विलेज के एरिया के अंदर। और अगर आपको एक बात बताऊं, अगर हम लोग मतलब पैदल आएंगे ना इस ट्रैक के ऊपर, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। वेट 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 गाइस, अरे बहुत सी लूट है वहाँ पर यार। खैर वो विलेज तो नहीं लग रहा मुझे, वो छोटा सा एरिया है, मतलब वहाँ पर हम एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं। यार अगर मैं अभी ट्रेन को स्टॉप करके, अगर मैं अपनी ट्रेन को स्टॉप करके देख के आऊँ कि वहाँ पर क्या सीन है असल में, तो क्या हमें कुछ होगा? मेरे पास गन तो है, और यार एमओ भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, 454 एमओ है, ख़त्म तो होने वाला है नहीं। और ज़ोंबीज़ को तो हम देख ही लेंगे। अरे मेरे पास यार खाना पीना ख़त्म हो गया, 1 मिनट में कुछ पेट भर के आ जाता हूँ फिर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे तो 35 40, और थोड़ा खा लेते हैं, तकरीबन भी 70% तो हो जाए यार। भाई ज़ॉम्बी हैं बहुत सारे, और गाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर बहुत सारी, लूट वगैरह होगी वहाँ पर। एक काम करते हैं, एक एक करके ज़ॉम्बी को बुलाते हैं। पहले इसको बुलाते हैं, भाई तू आ जा इधर, आ जा। चलो इसको ख़त्म कर दिया। हाँ ये चीज़ सही है, एक एक करके इसको मारेंगे, अगर करीब जाएंगे तो। अबे मर जा, क्या खा क्या है हेल्यू। ओ इसको वो भी आ रहा है ना, उसको मैंने पहले बुला लिया था दूर से मार के गोली। आ जा भाई, तेरी भी मैं। अरे भाई ये मोटा वाला है, अजी अभी पता लगा ये तो मोटा वाला ज़ोंबी है। ओके 5 दबा के ये ले, सॉरी मोटा बाबू, सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, तू मोटा है, तू ऐसे मरना था नहीं तूने।
अबे ये भी मोटा है क्या? मत बोलो यार, ये क्या मसला है? ज़्यादा हैकड़ी नहीं दिखा मेरे को। एक और ग्रेनेड पड़ा हुआ है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे ग्रेनेड पड़े हुए हैं। और कोई मोटा ज़ॉम्बी दिखेगा ना, मार वार दूंगा मैं उसको। आ जा भाई तू भी ज़रा। है भाई कितनी स्पीड से भागता हुआ आ रहा है। अबे टकले मारना नहीं मुझे। आ सही, करीब आ सही। ले ले, है भाई है, मर भी जा साले। घर से क्या बादाम वाला दूध पी के आया क्या? इतनी जल्दी भागता हुआ आ रहा है। और कौन है ये लेटा हुआ यहाँ पर? उठेगा ये? उठेगा ये? हैं नहीं उठा। तू तो आजा भाई इधर। ओके ख़त्म हो चुका ये भी। और कोई है? अगर मैं इसको मारता ना तो इसने उठ के बैठ जाना था। अरे किधर है भाई, किधर है? अ भाई अब बहुत साले। ओ भाई भागो। अबे साले क्यों हिला डाला ना? ये तो डराते हैं बहुत जल्दी हैं ये। दिमाग खराब। अरे भाई किधर है, किधर है, किधर है? कौन है? अबे 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 रुक जा, हट मामू, चोमू, चिंदी, आ जा तू भी इधर आ जा। बस मोटा वाला ज़ॉम्बी ना निकले, उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको ग्रेनेड से मारना पड़ेगा उसको। यार मैं इसकी ये लूटूँ तो इसके अंदर कुछ मिलेगा? यार वही कचरा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अबे यार वही कचरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो मतलब के ये पता नहीं क्या चीज़ है। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। मैकेनिकल पार्ट है और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। यार मुझे लगता है कि ना कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए अपने को ये चीज़ें लगने वाली हैं, लेकिन मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। पता नहीं आगे चल के कोई ज़रूरत पड़ने वाली है क्या। इसको भी मारता हूँ, आ जा तू भी भाई। हाँ रिलोड आ गई, रिलोड। हट, चलो भाई ख़त्म हो चुका सारा का सारा। और कोई है तो बताओ भाई। 355 MO पड़ा हुआ है मेरे पास अभी तक। मार मार के ना बंदर बना दूंगा। ओ ये भी, तू भी आ इधर। अच्छो स्पीड वाला ज़ॉम्बी आ रहा है। चल भाई तू भी आ जा। हट भाई, क्या मतलब तू मुझे मार देगा? क्या क्या मतलब मार देगा मुझे तू भाई? घर जाके बैठ मामू। और कोई है? गाइस ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ में। हाँ अभी ठीक है, सारे मर चुके हैं और अभी जाना पड़ेगा अपने को वापस अपनी ट्रेन में। चलो भाई फटाक से चलते हैं, तो कोई मसला नहीं है। और हेल्थ मेरी यार थोड़ी सी डाउन हुई, मुझे अभी दिखा है। एक मिनट पेन किलर ले लेता हूँ गाइस, क्योंकि फर्स्ट एड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये लो, थोड़ा सा हंगर का मीटर भी बढ़ चुका है और थोड़ा सा पानी का मीटर भी है। तो पानी, पानी नहीं है मेरे पास। हेल्यू, पानी किधर गया भाई? अच्छा, चल। ओ गाइस यार मेरा दिमाग सेट नहीं है। पानी तो इसके अंदर था ना, ये पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है नीचे। एनर्जी ड्रिंक को फिर कभी यूज़ करेंगे। चलो भाई तू भी इधर आ जा और तू भी इधर आ जा। फर्स्ट एड पड़ी रहे इमरजेंसी के लिए। यार फर्स्ट एड पता है आपको फुल कर देती है हेल्थ को, और जब ज़ोंबी से तगड़ी फाइट हो जाए और ज़ोंबी हमें किल करने पे आ जाए ना, तो हम फिर फर्स्ट एड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चलो अभी इंजन को करते हैं स्टार्ट। और चलो भाई ये देखो मेरा मैगजीन कहाँ जा रहा है भागता हुआ। थोड़ा सा आगे जाके एक गोली मारता हूँ मैं। एक मिनट। हो भाई क्या मैगजीन भागता हुआ जा रहा है, अनलिमिटेड मैगजीन। हैं
हैं हैं हैं ओ रुक। अरे बस कर भाई। आस्ते 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 आस्ते। I hope you two got out before the zombies arrived. Guys, village आ चुका है यार। यहाँ पर अपने को ब्रेक करनी है अपनी ट्रेन। चलो भाई। चिंदी ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं। कोई तो ट्रेन स्टेशन है और अपने को ट्रेन स्टेशन के करीब मतलब के ट्रेन को रोकना है। ओके रुक जा ये है ना ट्रेन स्टेशन। इंजन चलता छोड़ दिया मैंने। हाँ अभी ठीक है गाइस। ज़ॉम्बी शॉम्बी है यहाँ पर यार। इनको देखना पड़ेगा कैसे क्या मारना है इनको। उतरने की जगह है ना। हाँ उतरने की जगह तो है। उठेगा तो नहीं भाई तू। हेलो हेलो सॉरी चिंदी ज़ॉम्बी सॉरी हम तुम्हें मार दिया। क्या मतलब ए कौन उठा। अच्छा अंदर से आ रहा है। खोल मैं तेरी मदद कर देता हूँ खोलने में। बहुत अलग था आया बड़ा सुपरमैन। हाँ बैग वगैरह पड़े हुए हैं। खाना पीना है ब्रदर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी यार। ये क्या पड़ा हुआ है। एक और बैग है इसके अंदर भी। ये नहीं चाहिए मुझे। खाना पीना दे दो भाई। पट्टी शट्टी दे दो। पानी पीने दे दो और ये चीज़ें दे दो बस। कपड़ा वपड़ा बाद में उठाएंगे। ओ बैग पड़ा है बहुत बड़ा वाला। पट्टी शट्टी दे दो। खाना छाना दे दो बस। और क्या चाहिए। ये क्या है खाली है भाई। कुछ तो पैसे वैसे दे दो इसके अंदर। खाली पड़े हुए हैं। कर ग्रेनेड मिल चुके हैं और मेरे पास काफ़ी सारे ग्रेनेड हो चुके हैं अभी। और यहाँ पर देखेंगे तो 52 kg मेरी टोटल स्पेस है जिसके अंदर हमारा 42 kg फिल हुआ पड़ा है। हमें सारा सामान छोड़ के आना पड़ेगा। राइफ़ल का एमओ ले लेते हैं। शॉटगन का एमओ पिस्टल का एमओ। ओ भाई और रुक। अच्छा कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया। हाँ ऐसे नहीं मार सकते मेरे को। कैसे क्या मारोगे तुम मुझे। ऐसे कैसे मारोगे भाई। हाँ ऐसे कैसे मारोगे यार। बहुत सारे ज़ॉम्बी लग रहे हैं मुझे इस वाले इलाके के अंदर। तो यार काम कर तो पहले सारे ज़ॉम्बी को ख़त्म करता हूँ बाद में देखेंगे इन सबको मतलब लूटने को बाद में देखेंगे। चलो भाई तेरा काम तो हो गया। कौवे को मार दूंगा गोली। हट जा साड़े पे साड़े। जिंदगी ख़राब कर दूंगा तेरी गोली मार के मैं। और कौन है भाई ऐसे नाटक। ओ भाई कौन उठा। अबे चिंदी ज़ॉम्बी बे लाना तो तेरी ज़िंदगी पे। इधर मर भी जाए अगर जल्दी पता नहीं क्या खा के आता है। खबीज का बच्चा। और कोई है। किसका साउंड आ रहा है कहाँ से आ रहा है। चिंदी ज़ॉम्बी कहाँ पर है। उठेगा तू उठेगा मुझे पता था उठेगा मुझे पता था उठेगा तू। तेरी शक्ल देख के लग गया था मुझे उठेगा तू। हाँ तभी तो मैंने गोलियाँ बहुत सारी उठाई हैं तुम्हारे लिए। तो आ रहा है आ रहा है कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है। आ जा ए बग बोग। ये क्या कर दिया इसने। अबे हट ये क्या कर दिया। हेल्थ कम हो रही है मेरी गाइस। अरे आप गंदी पता नहीं क्या फेंका है इसने मेरे ऊपर। वही है जो उल्टी सी करती है पता नहीं क्या फेंकती है ऊपर। गंदी औलाद मज़ा ना स्वाद। और कोई है चिंदी ज़ॉम्बी आजा।
हट भाई। है भाई कौन है? अबे यार और कौन है वो? किधर गए किधर गए वो? गंदी ये रही, ये रही भाई, वो उल्टी करने वाली ये रही थी पागल। बहुत ही गंदी है ये तो फिर यार। तू भी आ जा, चलो। ये भागने वाला ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है सामने। चलो बस ऑल क्लियर। अभी यहाँ से मैं अपनी गेम को सेव कर लेता हूँ। गेम सेव कर लेता हूँ अंगार के अंदर। चलो भाई ओवरराइट। ओके अभी ओके है। अभी अगर हम मर भी जाएं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दोबारा से मतलब के अपने स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। नहीं उधर नहीं जा रहा मैं, एक मिनट पहले इसका क्लियर करूँगा बाद में उधर जाऊँगा। कोई ऊपर घर वगैरह बना हुआ है इसको भी देख के आएंगे। पहले तो देखूँगा ज़ॉम्बी तो खड़ा हुआ है एक। ये ले ए ले। अच्छा मतलब कि दो हेड अगर लग जाए ज़ॉम्बी को तो ज़ॉम्बी मर जाता है। ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया यार। वैसे ना है भाई यार इसका ना वो लग जाता है इफेक्ट, फिर भी आ जाता है। क्या मतलब बच के जाएगी तू? अबे यार ज़ॉम्बी कितने सारे आ गए। हट भाई दिमाग खराब। हेड नहीं लगा इसको, मैंने बहुत हेड मारने की ट्राई की। असल में ना इसका जो शक्ल है ना वो ऐसे लेफ्ट राइट होती है, उसकी वजह से हेड लगना उसको मुश्किल हो जाता है। सारे मर चुके हैं गाइस। मर गया मर गया। लेवल अप हो रहा है तो हमारी स्ट्रेंथ अभी स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। एक स्टेमिना हो जाए और एक स्टेल्थ बढ़ा लेता हूँ। चलो भाई ठीक है इसको ये हेड और ये हेड लग जा। देख रहे हो एक हेड पूरा लग गया था क्योंकि वो स्टिल खड़ा हुआ था एक जगह पे, और फिर दूसरा हेड लगता नहीं है प्रॉपर, वो मूवमेंट करता रहता है वो हल्का हल्का। दिस इज सो चिंदी। अभी मुझे देखना ये है कि अभी पूरा क्लियर हो चुका है या नहीं। ऐसे पूरा क्लियर हो चुका है यार। हाँ तू पहले थक ले पागल का बच्चा। अभी गाइस यहाँ से कुछ पेट्रोल वगैरह भी हम भर सकते हैं। अच्छा ओके। ये रहा ना अपना फ्यूल टैंक। ओके यहाँ पर हम लोग रिफिल कर सकते हैं, इसको रिफिल कर सकते हैं। हैं हेल्यू। अच्छा इसके अंदर कितना पेट्रोल है? 1930 लीटर इस वाली मशीन के अंदर पेट्रोल है यहाँ पर शो कर रहा है। और ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा? ये होगा क्या एक्टिवेट? एक मिनट पहले तो मुझे गन वगैरह अभी शायद से हो जाएगा। दिस इज सो चिंदी। हाँ कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। अभी हो जाएगा। ये हो जा भाई हो जा हो जा। ये लो। हैं हैं भाई भाई पेट्रोल पेट्रोल। हाँ अब सही है, अब लग गया लग गया। अबे ये क्या हो रहा है? ओ हेलो 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 भाई हेलो, व्हाट द हेक? पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा? एक्टिवेट एक्टिवेटेड तो है ना, कोई और सप्लाई वगैरह देखनी पड़ेगी क्या भाई? पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर? एक मिनट क्या पता फिल हो रहा हो। हमारे पास तो 250 लीटर था ना लास्ट टाइम देखा था हमने। हैं 144 सिर्फ? एक मिनट 144 फिल हो रहा है कि नहीं? 146 और अभी 146। एक मिनट अगेन चेकआउट कर लेते, मुझे लग रहा है कि वो फिल हो रहा है। एक मिनट
हाँ नहीं गाइस, 146 ही है, तो इसका मतलब ये मशीन काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों ये मशीन काम नहीं कर रही है, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं काम कर रही गाइस, चेक करना पड़ेगा इसको। चलो इसको एक मिनट, पिस्टल अपनी रखते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी ना मैं कुछ लूट बाट कर लेता हूँ यार, अंधेरा हो गया, मैं पहले सो लेता हूँ यार, सोना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 2 घंटे नहीं भाई, पूरे 12 घंटे सोएंगे। हो चुकी है प्यारी सी सुबह, और हाँ और क्या, प्यारी सी सुबह हो चुकी है और क्या, और अभी मुझे इस पूरे घर को लूटना है। लेकिन उससे पहले गाइस, हम इस वाले एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी इसकी, क्योंकि यार इस वाले पूरे विलेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और ठीक है बस, तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. In this-